गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है सर्प संधि, यानी कि हमने दो संधि पढ़ ली है। तीन संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि हमने पढ़ ली है, और हमारी अंतिम है कौन सी? विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। यदि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रातःकाल प्राय, तो ये क्या है? हमारे विसर्ग संधि। तो इसमें भी हमारे नियम है, इसमें हमारे हैं सात नियम। तो हम पढ़ते हैं, पहला नियम देखो हमारा, नियम नंबर एक। यदि विसर्ग के पूर्व दोनों मिलकर ओ में बदल जाते हैं, जैसे उदाहरण देखिए हमारा, मने प्लस अभिराम, तो मनोविराम। यस प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। अधय प्लस भाग, अभुभाग। तो इस प्रकार ये ए और आ का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इस प्रकार हमारा जो दूसरा नियम है वो देखिए, पहले नियम में यदि विसर्ग से पहले ए और बाद में है या आए तो ए और आ किसमें बदल जाते हैं? ओ में बदल जाते हैं। इसके बाद में नियम नंबर दो,
विसर्ग से पहले ए हो बाद वाले पद का पहला वर्ण ए या ए या मूर्छित विभाजक ए, यानी कि ए विसर्ग से पहले तो ए हो और बाद वाले पद का जो पहला वर्ण है वह ए या ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे तो ये आपका दूसरा नियम हो गया, उसके बाद हमारा तीसरा नियम है नियम नंबर 3। यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण या यह है या यह है लय व्यंजन आए हो या यह है लय व्यंजन विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, जैसे तप प्लस वन तो ये क्या हो गया तपोवन, जो विसर्ग है वो किसमें बदल गया ओ में बदल गया। अध प्लस गामी अधोगामी, वयोवृद्ध,
मनों पर मन क्लश योग मनोयोग आपको ध्यान रखना है। आज के लिए हमारे इतना ही काफी है और बाकी के जो हमारे चार और नियम बच रहे हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।